वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, बोलिए गोविंद भगवान की। और शनिवार के दिन धर्म का कार्य है तो बात अलग है, लेकिन शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद अपने घर की छाछ मट्ठा दही किसी और के घर में नहीं देना है। माताओं अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना है, माताओं चाहे भाई बंधु जो भी हैं, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना है। ये आप ज्ञात रखिए कि जो माताएं अगर घर में ऐसे कार्य करेंगी तो कभी भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा, बोलिए गोविंद भगवान की। समझा रहे? लेकिन शिशुपाल तो जिद्दी है, हटी है, वो नहीं मान रहा। क्या हुआ? काजर लागी नैन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, छुठाड़ी गाय रही मचाए रही हल्ला। दरिद्र मोहर उतार रही उच्चारी करो नहीं कथा, बांधुई दूला बारात लेके पहुंचा। रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ गया तो भगवान को याद करके बोली, हे मुरली मनोहर आप कहां हैं, आपको आना पड़ेगा। अब वो कृष्ण की भक्त है रुक्मणी, किसकी भक्त है? कृष्ण की। और शुरू से और अब तक बहुत ध्यान से सुनना, शुरू से और अब तक कृष्ण प्रेमी और राम प्रेमियों में मीठा मीठा झगड़ा होता आया है। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, काय को बावरे बने हो वो चोर है। लेकिन नहीं मानते थे सूरदास, रोज रोज का हो गया। तो सूरदास ने एक दिन कहा कि तुम्हारी तो हदी हो गई, तुम तो मानते ही नहीं हो, आज एक काम करो। बोले क्या? आज तुम्हें लगता है कि ये चोर है तो एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और उस तराजू में हम अपने कृष्ण को लेके बैठेंगे और तुम अपने राम को लेके बैठना। जिस तराजू का पलड़ा भारी होगा आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। अब दादा बड़ी सी तराजू मंगाई गई, उस तराजू में सूरदास जी बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठे और जवाब दिया कि बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतनी कह के सूरदास तराजू में बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए, जैसे तुलसी बैठे तो सूरदास ऊपर लटके और ऊपर से नीचे देख रहे। तुलसी बाबा बोले हाँ है गई तसल्ली, मिल गई करायली बेचती। पहले ही कहा था कि चोर है तो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना माने, आज है गई बेइज्जती, अब शांति से बैठे रहोगे। ये चोर निकला या नहीं निकला?
सूरदास ने विचार करो बात तो ठीक है, इनको पलटा इतना भारी के उठो ना, हम ऊपर लटके, हम इतने हल्के पड़ गए, वास्तव में ही चोर है। सो लड्डू गोपाल को सूरदास ने झोली में डालो, चुपचाप लेके चल दे। तुलसी बाबा पीछे से बोले मुंह मत दिखाना, अब बताना। सूरदास जी आश्रम पे पहुंचे भैया, तो ऐसा विद्वान और संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा ना बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, सुनाए बोले, अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, बोले क्या है? बोले हमें जब बता, जब तुम तराजू में बैठे तो तुमने क्या कहा था? बोले कुछ नहीं कहा था, तुमने आज मेरी बेइज्जती करा दी, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। चलो तुलसी आज तो अकेले थे, मैंने बेइज्जती सहन कर ली, कल तो भरे समाज में करा दोगे। अरे भगवान बोले अपनी कहोगे या मेरी सुनोगे? बोले हाँ बोलो। बोले जे बताओ जब तुम बैठे थे तराजू में तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले जब तुलसी बाबा बैठे तब? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और तुलसी और राम और सीता कितने आ गए? तीन। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो तीन इधर होते और तीन इधर होते, बात बराबर हो जाती। माननीय बड़े भ्राता जी शीलेश भैया जो भी एसओजी टीम में है, बाकी बिहारी पे इनकी वहीं पोस्टिंग है, और ये जो लेके आए हैं वहीं से उनके चरणों से ही लेके आए हैं। बाकी बिहारी जी से एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए, बहुत बहुत आभार और भरपूर सम्मान है आपका, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। समय निकाल के आप आए और ऐसी जगह से ये तो लेके आए हो मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके चरणों की जो हमारे लिए चीज मिली है मुझे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कीमती अनमोल चीज है। तो आशीर्वाद जो लेके आए हैं भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ। और 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं प्रबंसी वाले। हेलो, समीक्षाएं पूर्ण करें और इनका सम्मान हमेशा समाज में बरकरार रहे। और हमारे परम सम्माननीय बड़े भ्राता जी रिंकू भैया और अशोक यादव जी भुर्रका से आए हुए 1000 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। कान्हा यो ही अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। ठाकुर जी जो भी इच्छाएं हों वो आपकी पूर्ण करते रहें, आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, और यो ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण धन के भंडार आपके घर में यो ही भरते रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। बोलना है, कुछ बोलना है भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो भैया जवाब दिया कि अगर आप भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो तीन उधर होते और तीन उधर होते, मेरी क्या गलती है? तुमने जिस रूप में बुलाया मैं पहुंच गया। अरे सूरदास बोले गलती तो मेरी है। तो बोले जाओ तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ होगी दोबारा फिर होइए। सो फिर लड्डू गोपाल डारे और फिर पहुंचे, बोले नाप तोल में पहले गड़बड़ होगी दोबारा फिर होइए। सो तुलसी बाबा के पास जैसे ही गए और जब बात गई, तुलसी बोले वह चोरत जग कह दियो कि हमारे मर्यादा में रहते हैं प्रभु, एक ही बार नाप तोल होते दोबारा ना होते। सो मुंह लटकाए के चले, अब कलाई पकड़ी तुलसी बाबा ने और जवाब दियो सूरदास जी
आप जानते हैं कि वो भी विष्णु के अवतार हैं और ये राम जी भी विष्णु के अवतार हैं, तो दोनों में कुछ भी नहीं बटा। आपको जिसका मन करे, जैसे आत्मा करे, उसकी पूजा कर सकते हो। ये तो मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। अब यहाँ खड़े खड़े क्या मिल रहा है भाई? क्यों खड़े हो आप सब? हैं? सर सुनो, क्यों खड़े हो? क्या कारण है? आप आइए पीछे, हटिए यहाँ से, सब हटिए यहाँ से। इधर भी निवेदन करती हूँ आपसे, संतों के पीछे जो खड़े हैं, किसी महत्व से नहीं आप खड़े यहाँ पे, ये गलत बात है आपकी। भागवत ऐसे साठ से खड़े होकर नहीं सुनी जाती है, पीछे पहुंचिए आप। मैं 10 मिनट बाद फिर देखती हूँ, 10 मिनट बाद फिर देखूंगी, यहाँ खड़े मत मिलना।